बड़े बड़े सपने देखकर बीजेपी के पार्षद और मेयर को चुना। हमें लगा था कि बीजेपी का सभासद होगा, बीजेपी का मेयर होगा तो हमारे मोहल्ले के हालात सुधरेंगे, लेकिन हुआ उल्टा ही। अब तो बिल्कुल ही चौपट हो गया है। पिछले मेयर के दौर में जो कभी कभी सफाई होती थी, अब वो भी बंद हो गई। ये कहना है थाना कोतवाली के हाथा फालतूनगंज के बाशिंदों का। तस्वीरें बता रही हैं कि इस इलाके को किस हद तक सड़ाने की कोशिश की जा रही है। महीनों से सीवर चौक है, मुख्य सड़क के नाले को बंद कर दिया गया है जिससे नालियाँ सड़ रही हैं। गुजरे दिनों अतिक्रमण अभियान चला लेकिन सड़क की दूसरी तरफ ही सीमित रहा। इस साइड में अच्छी पकड़ रखने वालों ने नाले पर पक्के निर्माण कर रखे हैं। मेयर, मंत्री, विधायक से अच्छी सेटिंग की वजह से अभियान दिया गया है। हाँ भाई, आपका नाम क्या? वीरू। कहाँ रहते हैं? सामने चौकी पिज्जा था फालतू गंज वाली। क्या समस्या आई है सफाई की? सफाई की समस्या सर है कि नाला जो है पूरा चौक पड़ा है। कौन सा नाला? ये जो घूम से मटी पीछे जो नाला है, नाला पूरा चौक पड़ा है। चौक पड़ जाता है, नाले के चक्कर में जो हमारी गली में गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, पानी भर जाता है गली में हमारी। अब कुछ लोगों के चक्कर में नाला सफा नहीं हो पा रहा। कुछ लोगों में जैसे सारे नाले चौक पड़े हैं, यहाँ से आप देख रहे हो। कुछ लोगों में जैसे कुछ लोगों वाले ज़्यादा चौक कर दिया, आप खुद ही देख लीजिए ना। कहीं पर सफाई मशीन नहीं लग सकती, कुल मिला सफाई मशीन नहीं लगेगी यहाँ पर। हम चल रहे आगे तक पूरा चौक है। गुला ले लियो, मैंने कहा फर्क नहीं इसके तीन दिन सफा हो रहे हैं तो क्या सही होगा? लेटरिंग भी आदमी दिया था तब होती है सफाई, तब होती है सफाई, वैसे नहीं होती है। वो जो मैंने आपसे सर्वे करा, सफाई कब से नहीं हुई है? महीना भर, महीना डेढ़ महीना हो गया, सफाई नहीं हुई है। इससे पहले वैसी रहता है, मतलब कहते रहते हैं। एक बार हमने पैसे दिए तो सफाई कराई, फिर वैसी हो गई। किसे पैसे दिए? 500 रुपये। नहीं मतलब किसको दिए पैसे? सफाई करने वाले जो आते हैं, जो कर्मचारी आते हैं उनको, कर्मचारी जो आते हैं। अच्छा, आपने मेंबर कौन है यहाँ पर? पार्षद हरिशंकर लाल। शंकर लाल, उनसे बात की आपने? बात करी, गई थी विधायक में, गई थी तो बोले हम अभी करने करें, एप्लीकेशन दे रखी हमने, एप्लीकेशन भी दी थी, कोई सुनवाई नहीं हुई। मेयर से मिले आप? मेयर साहब से हमने कही थी, बोर्ड साहब से लोगों से कही देने के लिए, तो बोले हमारे घर मोबाइल नहीं है बोर्ड साहब। मतलब मेयर तक शिकायत नहीं पहुंची आपकी? हमने देखने ही नहीं आया इसे, और ना इस नाले का कोई ढाल है। क्या शुभ नाम है आपका? चंद्रकांत अग्रवाल। अच्छा, ये किस जगह है ये जो जहाँ आप? हाँ, फालतूनगंज कुम्हारों के सामने। हाँ बताइए। जिस दिन से नाले का निर्माण हुआ आज तक इसे कोई देखने नहीं आया कि इसकी ये नाला कब बना था, कुछ आइडिया है? होगा जी 1 साल 2 महीने। 1 साल 2 महीने हुआ। हाँ। तो जब से कोई सफाई वाला नहीं आया? कोई नहीं। आपके आगे सभासद से कहा आपने? सभासद तो पिछले वालों से कहा था, अगले वाली वो लेडीज है उसके पास नहीं है। अच्छा, और मेयर साहब के पास पहुंची बात? मेयर साहब यहाँ खुद निरीक्षण कर गए हैं। कब करा था उन्होंने? तोमर साहब, गौतम साहब नहीं, तोमर साहब कर गए निरीक्षण। तोमर साहब तो जाते रहे? हाँ जाते तो रहे। गौतम जी आए नहीं? गौतम जी नहीं आए। गौतम जी के पास पहुंची इसकी खबर है? हाँ, और स्मार्ट सिटी का दावा कर रहे हैं गौतम साहब। तो आपको लगता है स्मार्ट सिटी बन जाएगी इस तरह से? कहाँ बनेगा स्मार्ट सिटी, इन हालातों में स्मार्ट सिटी का हो जाएगा? भाई हम पूछा जा रहे हैं कि जो हालात है हमारे सामने अभी, इससे लगता है आपको स्मार्ट सिटी बन जाएगा? नहीं बन सकता भाई साहब, जब काम ही नहीं होगा सफाई कर्मियों द्वारा, जब स्मार्ट सिटी कहाँ से बन जाएगा? क्या आप ये कह सकते हैं कि ये वोट की राजनीति है? और किसकी राजनीति है? वोट की राजनीति।